गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कल हमने क्लास में समझा था हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू एंड रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। इसके लिए हमने सिंपल मेथड यूज़ किया था, ठीक है। आज हम सिंपल मेथड से ही हम क्या करेंगे, रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए। देखिए, जब हमने रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया था जिसका बेस हमने कितना लिया था, 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर भी क्या लिया था, 1 यूनिट। क्लियर? तो रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बेस भी 1 यूनिट लिया था और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया था, और इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए तो इसका जो इस राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, हाइपोटेनियस कैसे बनाते हैं, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये रूट में क्या बन जाएगा, ये रूट में बन जाएगा रूट टू, ये रूट टू, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया था ये रूट टू आया था, उसके बाद इस रूट टू डिस्टेंस को हमने नीचे नंबर लाइन पर गिरा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए, नंबर लाइन पर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है, पहले हमें क्या चाहिए, रूट थ्री को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम एक राइट ट्रायंगल ले सकते हैं इस तरह से। इसका बेस अगर हम लेते हैं रूट टू और परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेनियस ये क्या होगा, देखिए हाइपोटेनियस क्या होगा, स्क्वायर रूट, देखिए रूट टू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट में क्या बन जाएगा, रूट थ्री बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, रूट थ्री। अब इस रूट थ्री डिस्टेंस को हम कहाँ पर गिरा देते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिरा देते हैं, तो नंबर लाइन पर रूट थ्री रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें हमें देखिए, हम नंबर लाइन पर डायरेक्ट रूट टू डिस्टेंस नहीं ले सकते। जैसे हम इसमें हमने क्या किया था, 1 यूनिट डायरेक्ट हमने ले लिया था, इसमें हम रूट टू को डायरेक्ट नहीं ले सकते थे। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया था, पहले हमने एक राइट ट्रायंगल पहले जो बनाया था इसके लिए, इस रूट टू डिस्टेंस को बेस में लाने के लिए पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया था जिसका बेस क्या था, 1, परपेंडिकुलर का क्या था, 1, और ये जो हाइपोटेनियस यहाँ पर बन जाएगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट टू ये बनेगा। तो इस रूट टू को हम क्या करते हैं, नीचे नंबर लाइन पर गिरा देते हैं, तो यहाँ पर ये रूट टू डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर रूट टू डिस्टेंस आने के बाद फिर से हम एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो रूट टू डिस्टेंस आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। आप देखिए, ये जो बेस है यहाँ तक ये रूट टू था और परपेंडिकुलर क्या था, 1 यूनिट, तो हमें क्या मिल जाता है, ये इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये रूट थ्री यूनिट मिल जाता था। इस रूट थ्री यूनिट को हम क्या करते थे, नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिरा देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। आज हम क्या करेंगे, रूट फाइव को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बनाना है। इस राइट ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, बेस को हमें क्या लेना है, 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर को क्या लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। देखिए, रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेस क्या लेते हैं, 1 यूनिट। नंबर लाइन पर जो एक बेस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, 1 यूनिट, सॉरी, नंबर लाइन पर जो बेस बनाते हैं वो 2 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। अब अगर हम इस राइट ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस बनेगा इसका लेंथ कितना होगा, देखिए इसका लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो देखिए, हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा वो कितना बन जाएगा, रूट 5। तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, रूट फाइव डिस्टेंस बन जाएगा। अब इस रूट फाइव डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिराना है। इस रूट फाइव डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर गिरा देंगे इस तरह से,
तो नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, रूट फाइव। क्लियर। तो आज हम रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे हम नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रूट फाइव बहुत इजी होता है। रूट फाइव देखिए सबसे इजी रूट टू होता है, उसके बाद रूट फाइव होता है। रूट थ्री थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें बेस पर रूट टू बनाना होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा काम डबल होता है। तो इजी क्या होता है, रूट टू एंड रूट फाइव। चलिए देखिए रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रूट फाइव रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर हमें रूट फाइव रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया। इस नंबर लाइन पर क्या करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। देखिए कंपास में एक डिस्टेंस फिल कर लेते हैं, कितना भी डिस्टेंस आप फिल कर सकते हो। यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं इस पॉइंट से। तो देखिए ये हमने यहाँ पर 1 यूनिट बना दिया है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हमने इक्वल इक्वल यूनिट यहाँ पर बना दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस यूनिट को हम यहाँ पर, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं, ज़ीरो। इसको हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, यहाँ पर इसे 1 ले सकते हैं, यहाँ पर इसे 2 ले सकते हैं, इसे क्या ले सकते हैं, 3, और यहाँ पर 4। लेफ्ट में -1 और इधर -2। क्लियर। आप देखिए हमें रूट फाइव नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल को हमें अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। कौन सा राइट ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, रूट फाइव। तो रूट फाइव हाइपोटेनियस कब बन सकता है, जब बेस क्या होगा 2 और परपेंडिकुलर क्या होगा 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पर एक बेस लेते हैं यहाँ पर 2 यूनिट का। तो 0 से यहाँ तक 2 यूनिट तक हम क्या ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं, ठीक है। ये बेस हमने ले लिया है कितना, 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 यूनिट ले लिया। उसके बाद इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 2 पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर और कंपास, ठीक है। तो हम यहाँ पर इजीली क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, इस परपेंडिकुलर से कितना यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट। परपेंडिकुलर से 1 यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट हमारा कितना है, देखिए यहाँ से ये 1 यूनिट है, तो इस डिस्टेंस में ये कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट। तो यहाँ से इससे 1 यूनिट कट करेंगे। क्लियर। तो इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, 1 यूनिट को कट कर लिया। अब इस पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे।
क्लियर। आप देखिए यहाँ पर जो हमें राइट ट्रायंगल मिलेगा, इस राइट ट्रायंगल का अगर हम बेस देखते हैं तो कितना है 2 यूनिट, इस राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट। तो देखिए अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है जिसका बेस 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेनियस कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा, रूट 5 होगा। तो यहाँ पर जो हमें ये लेंथ मिला है ये कितना है, रूट 5, ये रूट 5 लेंथ हमें मिल चुका है। ठीक है, इसके इसको थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं ओ, इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं ए, इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं बी। ठीक है, आप देखिए ये जो हमें डिस्टेंस ओ बी मिला है ये कितना डिस्टेंस होगा, रूट 5 डिस्टेंस होगा। क्लियर, तो ये जो रूट 5 डिस्टेंस है हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, ये तो रूट 5 डिस्टेंस इस तरह से ऊपर उठा हुआ है ना, इस डिस्टेंस को हमें कहाँ पर चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिराएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इतना, ये जो इतना डिस्टेंस है यहाँ तक ये रूट 5 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन के ऊपर चाहिए यहाँ तक, तो ये जो रूट 5 डिस्टेंस है यहाँ तक आ जाएगा ना नंबर लाइन के ऊपर, इतना यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम कंपास में एक डिस्टेंस फिल करेंगे, कितना डिस्टेंस फिल करेंगे, रूट 5 डिस्टेंस। रूट 5 डिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ओ बी डिस्टेंस कितना है, रूट 5, ये रूट 5 डिस्टेंस है। तो कंपास में हमने रूट 5 डिस्टेंस फिल कर लिया है, अब इसको क्या करेंगे, ओ को हम सेंटर बनाएंगे, टेकिंग ओ एज ए सेंटर विद रेडियस ओ बी वी ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर, तो एक आर्क हमने इस ए को थोड़ा यहाँ से इधर लिख लेते हैं पॉइंट, ठीक है, तो एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट, इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बाय पी। देखिए व्हेन वी ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सेंटर ओ, दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं पी, दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट 5, तो दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट 5, तो रूट 5 जो होगा वो कहाँ पर होगा, 2 से थोड़ा आगे होगा और 3 से पीछे, इट मीन्स रूट 5 का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3। क्लियर, तो हमारा ये रूट 5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसके स्टेप्स यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन, तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, वी टेक ओ ए, एक डिस्टेंस हमने लिया ओ से ए तक नंबर लाइन पर, कितना डिस्टेंस है ये ओ ए, 2 यूनिट। तो अब यहाँ पे स्टेप टू में क्या लिखते हैं, टेक ओ ए हमने लिया कहाँ पर, नंबर लाइन पर, टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या ले लिया है, रूट 2 ले लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, ओ ए 2 यूनिट लिया, उसके बाद ए पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ड्रॉ उल्टा टी जो होता है परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ए, पॉइंट ए पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर से हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कट करते हैं, 1 यूनिट कितना होगा, ए बी, ये ए बी कितना है, 1 यूनिट। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 4 में,
वी कट कितना कट करते हैं? वी कट ए बी कट करते हैं कितना लेंथ? 1 यूनिट. वी कट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर. इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया? 1 यूनिट कट किया. उसके बाद हमने क्या किया? नाउ वी ज्वाइन OB को हमने फिर क्या किया? ज्वाइन कर दिया. स्टेप 5 में हमने क्या किया? नाउ वी ज्वाइन OB को हमने ज्वाइन कर दिया. अब OB ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, OAB. ये एक ट्रायंगल बन गया. अब इस ट्रायंगल में हमें बताना है ये OB डिस्टेंस √5 है. तो कैसे बताएंगे? इन ट्रायंगल, देखिए थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे. इन ट्रायंगल ऐसे लिखिए. इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं. चलिए इन ट्रायंगल ही लिखिए. इन ट्रायंगल OAB, ये जो हमारे पास ट्रायंगल OAB है, इन ट्रायंगल OAB, ये जो OA लेंथ है, पहले तो ये बता दीजिए ये राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल का मतलब इसमें एक एंगल आप 90 डिग्री बता दीजिए कहाँ पर है. एंगल A 90 डिग्री है ना. इन ट्रायंगल OAB एंगल A क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है. और इट मींस 90 डिग्री एंगल है तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है. और राइट ट्रायंगल है तो इसमें क्या यूज हो सकता है? पाइथागोरस थ्योरम. तो देखिए इसमें बेस OA की, OA हमें गिवन है. बेस OA का लेंथ हमारे पास कितना है? 2 यूनिट. बेस OA कितना है? 2 यूनिट्स. परपेंडिकुलर AB का लेंथ कितना है? परपेंडिकुलर AB का लेंथ कितना है? 1 यूनिट्स. 1 यूनिट्स, ठीक है. और जब हमारे पास ये बेस और परपेंडिकुलर आ चुके हैं तो हम हाइपोटेनस OB को कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस. स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसमें? OB. स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड किसके इक्वल होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. OA² + AB² तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है. देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें OB का लेंथ फाइंड करना है. तो OA का लेंथ तो हमारे पास कितना है? 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर. AB का लेंथ कितना है? 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 + 1 = 5, ठीक है. तो देखिए OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 5. हमें क्या चाहिए? OB का वैल्यू. तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी. जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट OB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? OB. देखिए जब हम OB स्क्वायर का क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं. तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा? OB. और राइट हैंड साइड में क्या है? 5. और 5 का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा. तो स्क्वायर रूट 5. क्लियर? तो देखिए हमने क्या किया? OB का लेंथ फाइंड कर लिया है √5. इट मींस ये जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है ये OB, इसका लेंथ कितना है? √5. तो हमें ये लेंथ √5 मिल गया. अब इस लेंथ को हमें क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिराना है, ठीक है. बात समझ में आ गई?
इस लेंथ को, ओबी लेंथ को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, गिराना है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर स्टेप फाइव में हमने क्या लिखा, नव वी ज्वाइन ओबी, ओबी को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद ओबी का लेंथ हमने कैलकुलेट करा तो कितना आ चुका है, ओबी का लेंथ रूट फाइव। अब इस रूट फाइव को नंबर लाइन पर गिराने के लिए क्या करेंगे, हम कंपास में एक रेडियस फिल करेंगे, कितना ओबी, ओबी डिस्टेंस फिल करेंगे और ओ को सेंटर बनाकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट रूट फाइव। तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, स्टेप सिक्स में क्या लिखेंगे, स्टेप सिक्स, नाउ नाउ टेकिंग नाउ टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ एज अ सेंटर, टेकिंग ओ एज अ सेंटर विद रेडियस ओ बी, टेकिंग ओ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क, वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कितना रेडियस लेना है आर्क में, रूट फाइव, सॉरी रूट फाइव मत बोलिए, ओ बी बोल दीजिए, टेकिंग रेडियस ओ बी, वी टेक नाउ टेकिंग ओ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी इज इक्वल टू रूट फाइव, रूट फाइव, ठीक है। तो एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया है, दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट पी, तो क्या लिख सकते हैं अब आगे, दिस आर्क इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट पी। इस आर्क ने नंबर लाइन को पॉइंट पी पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट कितना रिप्रेजेंट करता है, ये रूट फाइव ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। तो ये जो पी पॉइंट है, हमें जो यहाँ पर ये पी पॉइंट मिला है, वो पी पॉइंट किसको डिनोट करता है, रूट फाइव को, क्लियर। तो देखिए हमने रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया है, रूट फाइव को कर लिया है, ठीक है। तो हमें ये तीनों ही बस आने चाहिए, रूट टू, रूट थ्री एंड रूट फाइव, इनमें से ही एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये तीनों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, तो इसके लिए हमने मेथड यूज किया था, सिंपल मेथड। इसके बाद हम फिर से इन्हीं नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे, स्क्वायर रूट स्पायरल मेथड, ठीक है। तो स्पायरल मेथड से शुरू करते हैं फिर से, रूट टू, रूट थ्री और रूट फाइव को, ठीक है। देखिए तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, स्क्वायर रूट स्पायरल मेथड, स्क्वायर रूट स्पायरल मेथड। स्क्वायर रूट स्पायरल मेथड, तो देखिए इसमें जो इस मेथड से जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट थ्री को, रूट फाइव को, रूट सिक्स को, रूट सेवन को, क्योंकि रूट टू का केवल एक ही मेथड होता है, सिंपल वाला, ठीक है। तो रूट टू का तो एक सिंपल एक ही मेथड होता है,
वन यूनिट आपको लेना है बेस, वन यूनिट लेना है परपेंडिकुलर, रूट टू बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट थ्री को हम स्पायरल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रूट फाइव को भी स्पायरल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रूट थ्री को स्पायरल मेथड से रिप्रेजेंट करना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन यूजिंग स्पायरल मेथड, ठीक है। स्पायरल मेथड हमें यूज करना है। तो देखिए स्पायरल मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वही करना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद नंबर लाइन पर यूनिट बना दीजिए। देखिए इस कितना भी आप कंपास में डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट एंड फोर यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम, देखिए इस पर मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर ले सकते हैं हम ज़ीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर क्या ले सकते हैं टू, लेफ्ट में यहाँ पर क्या लेना है हमें माइनस वन, और यहाँ पर क्या लेना है माइनस टू। तो देखिए हमने सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ को, देखिए पॉइंट यहाँ पर जो जीरो है इसे हम क्या लेते हैं ओ, इस वन यूनिट पर इतना, यहाँ पर जो ये वन यूनिट है इस पर पॉइंट हम क्या ले लेते हैं ए, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए पर क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर एक, ये कितना है वन यूनिट डिस्टेंस हमने बेस लिया है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। क्लियर। अब इस परपेंडिकुलर से आपको क्या करना है, इस परपेंडिकुलर से आपको वन यूनिट कट करना है। तो देखिए वन यूनिट कितना है हमारा, ये वन यूनिट ही है, इससे हम क्या करेंगे वन यूनिट कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें से वन यूनिट कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये राइट ट्रायंगल बनेगा, इस राइट ट्रायंगल का बेस कितना है वन यूनिट, क्लियर। इसका बेस कितना है वन यूनिट, परपेंडिकुलर कितना है वन यूनिट। तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, देखिए ये जो राइट ट्रायंगल हमने बनाया है इसका बेस कितना है वन यूनिट, परपेंडिकुलर कितना है वो भी वन यूनिट है। तो हाइपोटेनियस का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में वन का स्क्वायर कीजिए वन होगा, इस वन का स्क्वायर कीजिए वो भी वन होगा, तो क्या बनेगा रूट टू बन जाएगा। तो ये जो हाइपोटेनियस हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा,
रूट टू, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रूट टू। क्लियर? आप देखो ये जो रूट टू डिस्टेंस मिला है, इस रूट टू डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे, बेस कंसिडर करेंगे। ये जो रूट टू डिस्टेंस हमें मिला है इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, रूट टू को बेस। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस एंड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस परपेंडिकुलर में से हम वन यूनिट कट करेंगे, यहाँ तक इससे वन यूनिट कट करेंगे और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, फिर से इसका बेस कितना है, रूट टू, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, वन यूनिट। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, रूट थ्री, ठीक है। तो हमें रूट थ्री डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो रूट थ्री डिस्टेंस मिलेगा इसे फिर नंबर लाइन के ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, अब ये जो हमें यहाँ पर रूट टू मिला है इसे हम बेस कंसिडर करेंगे, इसे इस लाइन को हमें बेस कंसिडर करना है और इस एंड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस एंड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल पर। तो ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर हमने इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर से वन यूनिट कट करेंगे, वन यूनिट कट करेंगे। तो वन यूनिट मेज़र कर लीजिए कितना है, तो ये वन यूनिट डिस्टेंस हमने इसमें ले लिया है, तो यहाँ से वन यूनिट इसमें से कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये लेंथ कितना है, ये वन यूनिट, तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगा वन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस कितना है, रूट टू यूनिट, परपेंडिकुलर कितना, वन यूनिट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर जो ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट ट्रायंगल में बेस रूट टू है, परपेंडिकुलर वन है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट थ्री यूनिट। कितना आ जाएगा ये, रूट थ्री यूनिट। क्लियर? रूट थ्री यूनिट आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है, रूट थ्री यूनिट, ठीक है। अब इस रूट थ्री यूनिट डिस्टेंस को जो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से है ना ये, इस डिस्टेंस को हमें नीचे नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से गिराना है, इस डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर नीचे गिराना है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से इस डिस्टेंस को कंपास में फिल करेंगे, इस डिस्टेंस को हमने कंपास में फिल कर लिया है, ठीक है। ये कंपास में हमने इस डिस्टेंस को, रूट थ्री डिस्टेंस को फिल कर लिया है। अब क्या करेंगे, ओ को सेंटर बनाएंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इस आर्क को ड्रॉ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये रूट थ्री डिस्टेंस को हम नंबर लाइन के ऊपर ला रहे हैं, धीरे 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 इसे नंबर लाइन के ऊपर ला रहे हैं। तो ये नंबर लाइन के ऊपर आ रही है ना, घूमकर यहाँ पर आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है रूट थ्री, इसे हमने क्या किया, क्लॉक वाइज इस तरह से घुमाकर नंबर लाइन के ऊपर गिरा दिया है। तो यहाँ पर आकर ये गिर जाएगी, ठीक है, इस तरह से गिरेगी। जैसे जो क्लॉक होता है, क्लॉक का जो सुई होता है वो इस तरह से गिर जाता है ना, घूमता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट पी। दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट, कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ये रूट थ्री।
ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये कितना है, ये रूट थ्री पॉइंट है, रूट थ्री है नंबर लाइन पर, क्या है ये रूट थ्री। तो अब इसको थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं ओ, इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं ए, इस पॉइंट को बी ले लीजिए, इस पॉइंट को सी ले लीजिए, ठीक है कंप्लीट। तो देखिए हमने क्या किया है, नंबर लाइन पर रूट थ्री को रिप्रेजेंट किया है बाई यूजिंग स्पायरल मेथड। अब ये कैसे हमने किया है वो टीचर को बताना भी तो पड़ेगा ना आपको, कैसे कैसे आपने किया। तो इसके स्टेप्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एग्ज़ाम में इतना भी छोड़ सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो, स्टेप मतलब स्टेप लिखे बिना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन स्टेप लिखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो स्टेप वन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन, फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं स्टेप टू में, वी टेक ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट ऑन नंबर लाइन। वी टेक ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, ओ ए डिस्टेंस लेते हैं, कितना लेंथ का, वन यूनिट लेंथ का। उसके बाद नंबर थ्री, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद इस परपेंडिकुलर से कितना पार्ट कट करते हैं, वन यूनिट पार्ट इसमें से कट कर लेते हैं ए बी, ठीक है। ये जो ए बी है कितना है, वन यूनिट है ना, और ये बी सी भी हमने क्या लिया हुआ है, वन यूनिट, और ये यहाँ से ओ ए भी कितना है, वन यूनिट, ठीक है। स्टेप फोर में हम क्या लिखते हैं, वी कट ए बी को हम कट कर देते हैं। वी कट ए बी इज इक्वल टू वन यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, वन यूनिट कट कर लिया है। उसके बाद पॉइंट फाइव में क्या लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट फाइव में क्या लिखेंगे, वी ज्वाइन ओ बी। ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। जब हमने ओ बी को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, ओ बी का लेंथ बाई यूजिंग पाइथागोरस रूट टू आ जाएगा इसका लेंथ। तो क्या लिखेंगे, सिक्स पॉइंट में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड हमें क्या मिलता है जब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में, वी फाइंड ओ बी इज इक्वल टू रूट टू। तो ओ बी का लेंथ हमें रूट टू यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से हम पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट बी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेप सेवन में हम क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लीजिए, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। देखिए बी पर फिर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं,
वी कट बी सी फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, वी कट सी कट बी सी इज इक्वल टू वन यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, वन यूनिट कट कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, जॉइन ओ सी। नाइन्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, वी जॉइन ओ सी, ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल बनेगा फिर से, ये वाला ओ बी सी। इस ट्रायंगल को यहाँ पे लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी ट्रायंगल में क्या है, देखिए एंगल बी 90 डिग्री का है। एंगल बी कितना है, एंगल बी 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल इट मींस राइट ट्रायंगल है, और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राइट पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में ही यूज़ होता है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू कितना है, रूट टू यूनिट्स। ओ बी इज इक्वल टू कितना है, रूट टू यूनिट। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, वन यूनिट। बी सी कितना है, वन यूनिट्स। तो हम ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ओ सी। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी का लेंथ हमारे पास कितना है, रूट टू। रूट टू का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी सी का लेंथ कितना है, वन, तो वन का स्क्वायर। देखिए रूट टू का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट रूट का साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टू। वन का स्क्वायर वन, तो कितना आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर का लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री। अब क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए जब हम ओ सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, ऊपर इसके स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे, तो स्क्वायर रूट से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ओ सी। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखिए जब हम थ्री का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है, ये जो ओ सी लेंथ है ये कितना है, रूट थ्री यूनिट है। अब इसी ओ सी लेंथ को हमें कहाँ पर लाना है, गिराना है, इस नंबर लाइन के ऊपर इसे गिराना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, कंपास में ओ सी लेंथ फिल करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क हमने ड्रॉ किया, टेकिंग ओ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस रूट थ्री यूनिट, ऑफ रेडियस। आर्क में कितना रेडियस फिल करेंगे, ओ सी। ओ सी इज इक्वल टू रूट थ्री यूनिट्स। ठीक है, वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ सी इज इक्वल टू रूट थ्री यूनिट्स। This arc intersects the number line at point P। तो जब हमने ये आर्क ड्रॉ किया तो इस आर्क ने नंबर लाइन को पॉइंट पी पर क्या कर दिया, क्या किया, कट किया। दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन।
द पॉइंट पी, या लिख सकते हैं दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। क्लियर? तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग स्पायरल मेथड। इसके बाद हम रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग स्पायरल मेथड। देखिए सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, इस पर आप यूनिट मेंशन कर दीजिए, यहाँ से इस पे ले लीजिए 1 unit, 2 unit, 3 unit and 4 unit, ठीक है। एक यूनिट और बना दीजिए एंड 5 यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 0, इधर यहाँ पर 1, 2 and 3। देखिए हमें मालूम है रूट फाइव का जो वैल्यू होता है वो 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा रूट फाइव का नंबर लाइन पर 2 and 3 के बीच में मिलेगा यहाँ पर, तो इसीलिए हमने नंबर लाइन को थोड़ा 3 तक इधर बनाया है। और लेफ्ट में यहाँ पर लिख लीजिए -1, -2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेस हमें 1 यूनिट लेना है, और 1 पर यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये 1 पर हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये 1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब इस परपेंडिकुलर से हमें कितना यूनिट कट करना है, 1 यूनिट, इसमें से 1 यूनिट कट कर लीजिए, यहाँ पर हमने ये 1 यूनिट कट कर लिया। इसको हमें क्या करना है, 0 से यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये जो राइट ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, इस राइट ट्रायंगल का बेस 1 यूनिट है, कितना यूनिट है, 1 यूनिट, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या है, 1 यूनिट है। तो इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √2 unit, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और बेस हमें क्या लेना है, इस डिस्टेंस को हम बेस लेंगे और इस पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फिर से। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस लाइन पर, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर हमें इस लाइन पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ये। अब इस परपेंडिकुलर से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इससे फिर से हमें क्या करना है, इस परपेंडिकुलर में से हमें केवल 1 यूनिट लेना है, तो ये 1 यूनिट हमने इसमें से कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट हमने इसमें से कट कर लिया है। तो देखिए बेस √2 unit पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट, यहाँ पर जो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ये जो राइट ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, देखिए
ये जो राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा इसका बेस रूट टू यूनिट है और इसका परपेंडिकुलर कितना है, वन यूनिट। तो इसका हाइपोटेनस ये कितना होगा, ये हाइपोटेनस कितना होगा, बेस का स्क्वायर करेंगे रूट टू का स्क्वायर टू होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे वन होगा, तो कितना आ जाएगा ये हाइपोटेनस का लेंथ, रूट थ्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री यूनिट। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से अब हम इस लाइन को हमें क्या करना है, बेस कंसीडर करना है, रूट थ्री को क्या कंसीडर करना है, बेस, इसे बेस कंसीडर करना है। और इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर से बेस हमें ये लेना है रूट थ्री, और परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, देखिए इस लाइन के और इस लाइन के बीच में यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस परपेंडिकुलर से फिर से हम वन यूनिट कट करेंगे, फिर से कितना यूनिट कट करेंगे, वन यूनिट कट करेंगे इसमें से, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन करेंगे, ओ से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए फिर से हमारे पास ये जो राइट ट्रायंगल यहाँ पर मिलेगा, इस राइट ट्रायंगल का बेस हमारे पास रूट थ्री है, इस राइट ट्रायंगल का बेस रूट थ्री है, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, वन यूनिट। तो इसका हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा बता दीजिए। हाइपोटेनस का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा थ्री, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वन, तो कितना आ जाएगा रूट फोर, कितना आ जाएगा ये रूट फोर, और रूट फोर का मीनिंग क्या होता है, टू। तो यहाँ पर जो इसका लेंथ हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, टू यूनिट। तो ये टू यूनिट आ जाएगा, या टू यूनिट लिख सकते हैं, या फिर रूट फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, अब इस लेंथ को, टू लेंथ को बेस बनाएंगे, और इस पॉइंट पर क्या करेंगे, फिर से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसे बेस बनाइए टू यूनिट को, टू यूनिट को बेस बना दीजिए, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू को बेस बना दिया, और इस पॉइंट पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर से फिर से वन यूनिट कट करेंगे, वन यूनिट कट करेंगे यहाँ से, क्लियर। तो ये कितना है लेंथ, वन यूनिट, यहाँ पर ये कितना लेंथ होगा, वन यूनिट लेंथ होगा, यहाँ पर भी ये वन यूनिट था, ठीक है। अब इस पॉइंट को फिर से ओ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल, फिर से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर ही आ जाएगा। इस राइट ट्रायंगल का देखिए, इस राइट ट्रायंगल का बेस हमने कितना लिया है, टू यूनिट, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमने कितना लिया है, वन यूनिट। तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, देखिए टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, फोर प्लस वन फाइव, तो ये रूट फाइव आ जाएगा। तो इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, रूट फाइव। तो ये लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट फाइव। अब ये जो लेंथ है रूट फाइव, ये ओरिजिन से है ना, यहाँ से है ना, जीरो से ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये रूट फाइव है। अब इस रूट फाइव लेंथ को हम क्या करेंगे, इस रूट फाइव लेंथ को ये यहाँ से देखिए जीरो से ये रूट फाइव, इसे घुमा कर कहाँ पर लाएंगे, इसे घुमा कर नंबर लाइन के ऊपर गिराएंगे, इसे ऐसे घुमा कर नंबर लाइन के ऊपर गिराएंगे,
ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कंपास में इस रूट फाइव डिस्टेंस को फिल कर लीजिए, कंपास में इस रूट फाइव डिस्टेंस को फिल कर लीजिए। फिल हो गया। अब इस रूट फाइव डिस्टेंस को हमने कंपास में फिल कर लिया है, क्योंकि इस डिस्टेंस को घुमाकर हम नंबर लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये जो आर्क ड्रॉ हो रहा है, ये रूट फाइव लेंथ को घुमाकर कहां पर ला रहा है, नंबर लाइन के ऊपर ला रहा है। क्लियर। तो जब हम इस आर्क को ड्रॉ करते हैं, दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, दिस आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट फाइव। ठीक है, तो रूट फाइव जो होता है वो टू और थ्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, रूट फाइव का वैल्यू टू से ग्रेटर होता है, थ्री से स्मॉलर। ठीक है, लेस देन टू, लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन टू होता है। तो हमने यहाँ पर ये क्या किया है, रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके स्टेप कैसे लिखने वो समझ लीजिए। ठीक है, स्टेप कैसे लिखने, सबसे पहले स्टेप वन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ नंबर लाइन। फर्स्ट देखिए पहले इस पॉइंट को लिख दीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए। यहाँ पर पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, ओ, इसे ले सकते हैं ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई। ठीक है, अब लिखिए फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे, वी टेक ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम क्या लेते हैं, वन यूनिट। इसके बाद स्टेप थ्री में क्या लिखते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए। ए पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर ड्रॉ से कितना यूनिट कट करेंगे, वन यूनिट। वी कट कितना कट करते हैं, वी कट ए बी, ए बी इज इक्वल टू वन यूनिट कट कर लेते हैं फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर से हमने वन यूनिट कट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें रूट टू डिस्टेंस मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट सिक्स में, ओ बी इज इक्वल टू रूट टू होगा। क्यों होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा ओ बी का लेंथ रूट फाइव, रूट टू आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप सेवन में, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। बी पर हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद इस परपेंडिकुलर से कितना यूनिट कट करेंगे, वन यूनिट,
वी कट कितना पार्ट कट करते हैं, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से हमने 1 यूनिट कट किया। उसके बाद जब हमने 1 यूनिट कट किया, फिर क्या करते हैं, सी को और ओ को ज्वाइन कर देते हैं। वी ज्वाइन ओ सी। ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया है। ये जो हमने ओ सी ज्वाइन किया है, ओ सी का लेंथ कितना होगा, √3 यूनिट। तो लिखो ओ सी इज इक्वल टू √3 यूनिट। ये √3 यूनिट हमें कैसे मिला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ने यूज़ किया, ओबीसी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओबीसी, ठीक है। अब इसके बाद ये √3 आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी। हमने पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर से, ये जो हमने पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसमें से कितना यूनिट कट करेंगे, 1 यूनिट कट करेंगे। CD 1 यूनिट कट करेंगे। वी कट CD इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, 1 यूनिट कट किया। अब उसके बाद क्या करते हैं, वी ज्वाइन ओडी हमने ज्वाइन कर दिया। जब हम ओडी को ज्वाइन करते हैं तो ओडी का लेंथ हमें कितना मिलेगा, 2 यूनिट। तो यहाँ पर लिखिए ओडी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स क्यों होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ओ सी डी। क्लियर। उसके बाद 15 पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट डी। अब पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर से फिर से हमें 1 यूनिट कट करना है, ठीक है। पॉइंट 16 में क्या लिखेंगे, वी कट कितना, डी ई इज इक्वल टू 1 यूनिट। वी कट DE इज इक्वल टू 1 यूनिट फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर से हमने क्या किया, 1 यूनिट कट किया। तो ये जो 1 यूनिट हमने कट किया है CDE, अब इस E पॉइंट को हमें O से ज्वाइन करना है। वी ज्वाइन ओडी। अब ये जो OD हमें लेंथ मिलेगा, सॉरी वी ज्वाइन OE, ये जो OE हमें लेंथ मिला है, ये कितना होगा लेंथ, √5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं OE इज इक्वल टू कितना होगा, √5 होगा। क्यों होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होगा। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में यूज़ करेंगे, ODE में। तो ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओडीई। तो ट्रायंगल ODE में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो OE का लेंथ हमें कितना मिलेगा, √5। तो हमें फाइनली √5 डिस्टेंस मिल गया है। इस 0 पॉइंट से OD डिस्टेंस मिल गया, √5 डिस्टेंस मिल चुका है। अब इस डिस्टेंस को हमें नंबर लाइन के ऊपर घुमाकर लाना है, इस तरह से घुमा के नंबर लाइन के ऊपर गिराना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब क्या लिखेंगे, देखिए टेकिंग ओ एज ए सेंटर
टेकिंग ओ एज अ सेंटर एज अ सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितना रेडियस फिल करेंगे आर्क में ओ ई इज इक्वल टू रूट फाइव ठीक है टेकिंग ओ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस रूट फाइव दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी ठीक है इस नंबर लाइन ने क्या किया उस इस आर्क ने क्या किया नंबर लाइन को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया है कट किया है ठीक है दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन नंबर लाइन क्लियर तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो देखिए रूट फाइव को हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है बाय यूजिंग स्पाइरल मेथड वो यहाँ पर समझा है इससे पहले हमने रूट थ्री को समझा है आप रूट सिक्स रूट सेवन इन सब को प्रैक्टिस करके देखना ठीक है कैसे इसको करेंगे देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप केवल इसे रिप्रेजेंट करके देखना है इस बार बार ये स्टेप लिखकर देखना नहीं है ठीक है स्टेप आप केवल रूट टू रूट थ्री और रूट फाइव के याद रखिएगा ठीक है अगर रूट फाइव से बड़ा कोई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है स्टेप केवल तब लिखने जब अगर छोटा नंबर हमें मिलेगा जैसे रूट थ्री या फिर रूट फाइव क्लियर तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है इसके बाद जो थर्ड मेथड है कौन सा है सेमी सर्कुलर मेथड उससे हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर जो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं डेसिमल वाले ठीक है वो डेसिमल वाले नंबर होते हैं ठीक है तो देखिए तो हमारा थर्ड मेथड क्या होता है तो देखिए अब हमारा ये थर्ड मेथड कौन सा होगा सेमी सर्कल मेथड देखिए सेमी सर्कल मेथड क्या होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर सेमी सर्कल बना लेते हैं सेमी सर्कल बना लेते हैं ठीक है हमने क्या किया एक सेमी सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लिया है ठीक है तो ये हमारे पास क्या है सेमी सर्कल है अब इस सेमी सर्कल को थोड़ा समझिए देखिए अगर हम इस पॉइंट बी से इधर यहाँ पर एक
एक पॉइंट ले लेते हैं सपोज P, तो ये और ये डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं, वन यूनिट। कितना है ये डिस्टेंस, वन यूनिट। पॉइंट B से हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं P फ्रॉम वन यूनिट, और इस पॉइंट सपोज यहाँ से AP डिस्टेंस कितना है, ये सपोज ये AP डिस्टेंस कितना है, x यूनिट। कितना है ये AP डिस्टेंस, x यूनिट। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट Q, ठीक है, देन द डिस्टेंस PQ। ये जो डिस्टेंस PQ होगा ये कितना होगा, जो यहाँ पर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, रूट एक्स। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगा PQ वो कितना होगा, रूट एक्स होगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर हमने ये वन यूनिट डिस्टेंस लिया हुआ है और ये कोई भी डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आता है यहाँ पर वो क्या आता है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ भी समझेंगे, ठीक है, इसका ये कैसे होता है उसका प्रूफ भी हमें समझना है, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट का टू ड्रॉ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है।